नेहरू युवा केंद्र जिल्हा कार्यालय आणि राष्ट्रीय सेवा योजना युनिट यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या ऑनलाइन जिल्हा युवा संसद प्रतियोगितेला चांगला प्रतिसाद मिळाला। नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 भारतातील शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन आणेल। उन्नत भारत अभियान नवीन सामान्य स्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, शून्य बजेट नैसर्गिक शेती अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, शून्य बजेट नैसर्गिक शेती शेतकऱ्यांसाठी वरदानच आहे, हे चार विषय देण्यात आले होते। अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या प्रतियोगितेत अनिकेत रवींद्र वाकळे याने प्रथम तर जितेंद्र धीरसिंग राठोड याने द्वितीय क्रमांक पटकावला। या दोघा विजेत्यांची राज्यस्तरीय युवा संसद प्रतियोगितेसाठी निवड झाली आहे। प्रतियोगितेचे संयोजन आणि सूत्रसंचालन नेहरू युवा केंद्राचे जिल्हा युवा समन्वयक अशोक कुमार मेघवाल, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे जिल्हा नोडल ऑफिसर तथा ZB पाटील महाविद्यालयाचे NSS कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक डॉ प्रशांत कसबे यांनी केले। सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ SS नंदन, प्राध्यापक अनिल चव्हाण, पत्रकार अजय भदाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षा ज्योती पावरा, पत्रकार सचिन बागोल यांनी स्पर्धेचे परीक्षण केले। प्रतियोगिता यशस्वीतेसाठी लेखापाल नाना पाटील, राष्ट्रीय युवा समन्वयक उमा बागुल, आनंद पाटील, राहुल गोपाळ यांनी परिश्रम घेतले। मैं अशोक कुमार मेघवाल, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र धुले, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार। अभी हमारा एक इवेंट हुआ था जिला युवा संसद महोत्सव, जो कि नेहरू युवा केंद्र धुले और राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट धुले के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस हमारे इवेंट में, कार्यक्रम में लगभग 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें कि हर प्रतिभागी ने अलग अलग विषय पर अपने पसंदीदा विषय के ऊपर 4 मिनट का भाषण दिया था। ये कार्यक्रम पूरा ऑनलाइन किया गया था और इसमें जूम ऐप के ऊपर ये कार्यक्रम लिया गया था। और इसमें जो है अनिकेत वाकले प्रथम स्थान पर रहे और जितेंद्र राठौड़ द्वितीय स्थान पर रहे। अब ये जो दो विजेता हैं ये राज्य स्तरीय युवा संसद महोत्सव में भाग लेंगे, जो कि नेहरू युवा केंद्र पुणे और NSS टीम पुणे के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 4 जनवरी को लिया जाएगा और राज्य स्तरीय संसद में जो विजेता घोषित होगा वो आगे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में भाग लेगा, जो कि दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आयोजित होना प्रस्तावित है।